जी हसन, आपका टेस्ट लेना है। यस सर। गुड जी, बताएं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ, तो क्या कहते हैं उसको? बायोलॉजी। बायोलॉजी, गुड जी। द वर्ड बायोलॉजी हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड्स ग्रीक। ग्रीक कौन कौन से दो वर्ड्स हैं जो बायो में आते हैं? बायोस एंड लॉगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस मीन्स लाइफ और लॉगोस मीन्स थॉट, सीन और रीजनिंग। रीजनिंग और डिस्कशन। डिस्कशन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी, गुड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, गुड, ये ऑप्शन ठीक है। मुझे आप बता सकते हैं कि हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोलॉजी सर, स्टडी ऑफ टिश्यूज। हिस्टोलॉजी जी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। गुड। एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी। एनाटॉमी कहते हैं अभी, बड़ी अच्छी एनाटॉमी है भाई। ओके, नो प्रॉब्लम। इसमें कौन सा क्वेश्चन आंसर ठीक है जी? सर इसमें टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, गुड। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। आप मुझे बताएं हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोलॉजी ऊपर लिखा हुआ है। हिस्टोलॉजी वो टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यूज। गुड। तो इस जो स्टेटमेंट लिखी है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी, बॉटनी। बॉटनी, गुड। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। जूलॉजी, वेरी गुड। हु डेवलप्ड फर्स्ट माइक्रोस्कोप? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन का नाम सुना हुआ है? नो सर। रॉबर्ट ब्राउन कौन था? ब्राउनियन मूवमेंट आपने फिजिक्स में पढ़ी है ना? यस सर, पढ़ी है। कौन सी थी? रैंडम मूवमेंट। वो रॉबर्ट ब्राउन और था जी। रॉबर्ट शॉ कौन था? फिलोसफर था। रॉबिन्सन की आपने स्टोरी सुनी होगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जी। जाबर हजान एक बहुत बड़ा केमिस्ट था बेसिकली। फिजिक्स में भी इसका अपना काम किया है इसने बहुत ज्यादा, और बायो में भी है। तो ये कौन से कंट्री में पैदा हुआ था? ईरान में। ईरान, गुड। साइंटिफिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, गुड। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, गुड। आप तीनों ब्रांचेस को जरा डिफाइन करें। हिस्टोलॉजी क्या होती है? हिस्टोलॉजी सर टिश्यूज की होती है। सोशियो बायोलॉजी, सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर जी। और टैक्सोनॉमी होती है वो क्लासिफिकेशन। और फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी ड्रग्स की और देयर इफेक्ट्स। गुड जी बेटा, अब आप जाए। वेरी गुड, आपने अच्छी तैयारी की है सर। ब्रासिका कंपेस्ट्रिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स। मस्टर्ड प्लांट, वेरी गुड, ठीक है। आपने ह्यूमन का भी साइंटिफिक नेम याद रखना है, टोमेटो का भी और मंकी का भी और डोंकी का भी जी। द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज कॉल्ड बी ऑप्शन पैलियंटोलॉजी। गुड। बॉटनी क्या होती है? सर स्टडी ऑफ प्लांट्स। गुड। फार्माकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ड्रग्स। ये दो दफा फार्माकोलॉजी लिखा गया है जी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सी है जो स्टेटमेंट लिखी गई है? द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज कॉल्ड बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, गुड, पैलियंटोलॉजी। सेल वॉल्स आर फाउंड इन दीज ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट एनिमल्स। एनिमल्स में नहीं पाई जाती, प्लांट में पाई जाती है। yes. तो प्लांट में जब ये पाई जाती है तो मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है सेल वॉल का? फंगस। प्लांट में सेलुलोज होता है। ओके। और फंगस की सेल वॉल किससे बनी होती है? काइटिन। काइटिन, गुड। ओके, इस जो स्टेटमेंट लिखी है इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी। बी। द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ऑल ऑफ द अबव। कौन कौन से फंक्शन होते हैं सेल वॉल के अंदर? इट प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन, इट गिव्स द शेप टू प्लांट सेल्स, इट गिव्स द स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये प्लांट सेल क्यों लिखा है, एनिमल सेल क्यों नहीं लिखा? सर क्योंकि एनिमल में नहीं होते। ये एनिमल में होती ही नहीं है सेल वॉल जी। द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। It controls movement of particles, it maintains the internal composition of cell, it senses chemical messages, all above the above. कौन सी correct option? D option. Good. Which of these material is not a component of plasma membrane? DNA. बच्चे plasma membrane के बारे में कौन सा जो है वो ठीक था, model कौन सा था structure के बारे में? कौन सा model था? आप बताइए जी।
विच मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की बात है? फ्लूइड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उस मॉडल में क्या कहते हैं कि किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन्स, ये दो चीजें मेजर कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट थोड़े से होते हैं। कौन सा सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी चीज नहीं होती? डीएनए नहीं होता। डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। सी ऑप्शन, सेलुलोज। गुड। प्राइमरी सेल वॉल ऑफ प्लांट्स हैज अ केमिकल। सेलुलोज। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन पे फिंगर रखेंगे तो बच्चों को ठीक नजर आएगा, बल्कि मुझे ठीक नजर आएगा। गुड हो गया। नेक्स्ट चीज, द पोर्स इन सेल वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल बाय व्हिच साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड इज कॉल्ड। डी ऑप्शन, प्लाज्मोडेस मैटा। गुड, डी ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन ठीक है। ऐसे ही है जी। द सेल वॉल इन फंजाई इज मेड अप ऑफ। सी ऑप्शन, क्या वर्ड है? काइटिन। काइटिन, गुड। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ। अभी हमने डिस्कस किया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस चीज का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है? ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, वेरी गुड। अब आपकी आप आ जाए बेटा। गुड, अभी तक तो मिस्टेक नहीं निकली भाई, मुझे उम्मीद है मैं मिस्टेक निकाल लूंगा जी। सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन में ज्यादातर कौन सी चीज होती है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? सामने आ जाए, कोई बात नहीं, सामने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, तो कौन सी ऑप्शन ठीक होगी? बोथ ए एंड डी। बोथ ए एंड डी, ये आपकी मिस्टेक हो गई। द आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल्स। द आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल्स इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। बी, प्लांट सेल की आउटर बाउंड्री कौन सी होती है? सेल वॉल। तो यहां सेल मेम्ब्रेन ठीक है जी। फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोथ ए एंड बी। ये आरईआर क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एससीआर? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसकी टाइप्स हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हां जी, तो कौन सी ऑप्शन ठीक है? बोथ ए एंड बी। गुड, बोथ ए एंड बी। द रिपीट हो चुका है जी। क्या ऑप्शन है इसकी? उसकी है द फोर्थ फ्रेंड सेल वॉल प्लाज्मोडेस मैटा। ठीक हो गया। साइटोस्केलेटन इज द नेटवर्क ऑफ बोथ ए एंड सी। साइटोस्केलेटन में ट्यूबुलिन भी होती है और एक्टिन भी होती है। बोथ ए एंड सी, कौन सी ऑप्शन है? बोथ ए एंड सी। माइक्रोफिलामेंट, हेमोग्लोबिन। माइक्रोफिलामेंट रॉन्ग है भाई। Actins, good. Chromoplast is present in. Chromoplast is present in both A and B. Chromoplast कौन होते हैं? कौन से chloroplast होते हैं? कौन से chromoplast क्या होते हैं? Plastids क्या होते हैं? ये सर chromoplast colorful होते हैं, color देते हैं और fruits वगैरह पाए जाते हैं, fruits skin को color देते हैं। तो कौन सी option ठीक है? Both A and B. Good. जी, सेलुलर रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय हाथ रखें। फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस, ये ऑप्शन ठीक नहीं है इसके लिए। न्यूक्लियस सारे फंक्शनैलिटी कंट्रोल करता है। बी पे हाथ रखें, ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, ये करेक्ट ऑप्शन है और इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस। नीचे हाथ रखें, राइबोसोम प्रोटीन तैयार करता है और ईआर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कितनी टाइप्स हैं इसकी? इसकी सर टू टाइप्स हैं। कौन-कौन सी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, सेल द रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय, ये कौन सी? कौन सी? बी। बेटा आप जाएं, आप जाएं, आप जाएं, आपकी बारी है जी। बच्चे, आर यू रेडी? यस। कौन सी ऑर्गेनेल जो है वो सारे फंक्शंस कंट्रोल करके सेल के? न्यूक्लियस। हाथ लगाएं। गुड। माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया देखें, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन एक ऑर्गेनेल है। प्रोकैरियोट्स में डबल मेम्ब्रेन होती नहीं है। तो करेक्ट